जी तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। तो आज मैं बनाने वाला हूँ बनाना शेक विद हनी एंड कोकोनट शुगर। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। जी तो हमने बनाना लिया है, ये हमारे पास हनी है सही, और ये हमारे पास कोकोनट शुगर है। तो कोकोनट शुगर थोड़ी इस तरह की होती है, कोकोनट शुगर में ब्राउन शुगर है हमारे पास, तो इस तरह की होती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है सही है। तो कोशिश किया करें कि हेल्दी फूड इस्तेमाल करें और हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं फिर। जी तो सबसे पहले तो हमने ले लिए केले, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, तो मैंने दो केले इस्तेमाल कर लिए। थोड़ा सा दूध, एक कप का मैंने दूध इस्तेमाल कर लिए। और आधा चम्मच मैं शहद इस्तेमाल करूंगा। और आधा चम्मच ही मैं कोकोनट शुगर इस्तेमाल करूंगा। अब मैं ग्लैंड कर लूंगा इसको। जी तो हम इसमें डाल लेंगे निकालने के बाद, और ये ज़्यादा मिनट की वीडियो है नहीं, 2 या 3 मिनट की वीडियो है। तो ये 2-3 मिनट में आप बना सकते हैं, और सुबह अगर आप, क्योंकि अभी यहाँ पे सुबह ही हो रही है, तो ये सुबह के यहाँ पे 10 बज रहे हैं, तो आप सुबह सुबह ये चीज़ बना सकते हैं और पी सकते हैं। हेल्दी भी है, और कोई इसमें वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं, कोई भी कोशिश ये करें कि वाइट शुगर इस्तेमाल ना करें, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। जी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा शेक पसंद आया होगा। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें, वाइट नमक का इस्तेमाल ना करें सही है, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें सही है। और एक नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा। एडवांस में आप लोगों को कह रहा हूँ ईद मुबारक, अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने का। थैंक यू वेरी मच।